मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर स्थित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय प्रतापनगर में कक्षा कक्षों के लोकार्पण एवं मुख्यमंत्री सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बड़ी सौगात दी, वहीं उनका सम्मान किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश राज्य सरकार है वो प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र में सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार सहित विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। हमने जो चुनाव से पहले जो संकल्प पत्र हमने जनता के बीच में रखा था, और मैं आपसे कह सकता हूं कि सांगानेर का एक प्रतिनिधि होने के नाते राजस्थान की 200 विधानसभा है, मैंने 200 विधानसभाओं में से एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें मैंने किसी में बजट नहीं दिया हो। 200 विधानसभाओं में पूरा बजट देने का काम किया है, क्योंकि हम कहते हैं और हम इस पर विश्वास भी करते हैं कि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम 8 करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और हम सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की धारणा को लेकर के हम काम करते हैं। हमने देखा है कई राजनीतिक दल ऐसे होते हैं वो सीमित होते हैं और वो देखते हैं जहां उनका प्रतिनिधि होता है सिर्फ वहां काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हम 8 करोड़ राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारा दायित्व बनता है कि हम एक एक राजस्थान के एक एक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना हमारा कर्तव्य है। और हमने इसीलिए सभी विधानसभाओं का समान रूप से विकास करने का वादा किया है और हमने बजट में सभी को साथ लिया है। मैं आपसे इतना कहना चाहता कि हमने जो संकल्प पत्र लिया और संकल्प पत्र के अलावा भी हमने काम किए हैं, वो ऐसे काम जो आवश्यक है, कुछ ऐसे काम हमसे कहते हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं आपने ये जो बजट दिया है ये तो ऐसा बजट दिया है, क्योंकि उनको देखा होगा वो ऐसा बजट जब देते हैं जब जाते हैं। हमने पहली बार बजट दिया है क्योंकि हम जनता के बीच में हम पूरा काम करना चाहते हैं, और जो जनता से हमने कहा है उन वादों को हम पूरा करना चाहते हैं, इसलिए हमने वो बजट में काम लिए हैं जो 1 साल 2 साल 3 साल में जो काम पूरे होंगे आपने देखा होगा, क्योंकि हमारा सांगानेर विधानसभा ऐसा विधानसभा है कि इसकी हर साल आप देखते हैं कि हमारी कितनी कॉलोनियां कट जाती हैं, कितने घर बन जाते हैं। और हमको ये भी देखना पड़ेगा जयपुर के अंदर आने वाले उन सभी लोगों का जो नए मकान बनाने वाले हैं या बसने वाले हैं, हमें पता है क्योंकि हमारा दिल्ली रोड ब्लॉक हुआ है, इतनी दूर जा नहीं सकते, सीकर रोड भी आगे पहुंच गया है, आगरा रोड टनल की वजह से आगे नहीं जा पाता है। अगर जयपुर को आगे बढ़ाने के तो अगर कहीं कोई रास्ता है या तो वो अजमेर रोड है और या वो टोंक रोड है, हमारा जगतपुरा का क्षेत्र है, हमें उसको ध्यान में रखते हुए हम काम कर रहे हैं। हमारी कोई भी योजना हो ठीक प्रकार से वो योजना आए, और आपने देखा है कि लगभग 3100 करोड़ रुपए के काम हमने सांगानेर विधानसभा में करने का काम किया है। इसके अलावा आपने देखा होगा माननीय श्री प्रकाश तिवारी जी ने उन कामों के जानकारी आपको दी है, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारा सांगानेर रेलवे स्टेशन भी एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन होगा, और मुंबई की तरफ से आने वाली गाड़ियां, कोटा की तरफ से आने वाली गाड़ियां बहुत बड़ी संख्या भी उनकी होगी, और वो यहां से सांगानेर से मुंबई के लिए सीधी गाड़ी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं के अनुरूप विकसित राजस्थान के संकल्प के साथ कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने परिवर्तित राज्य बजट 2024-25 में प्रदेश के विकास का रोडमैप तैयार किया गया है और हर क्षेत्र और हर वर्ग को सौगातें दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए बिजली और पानी मूलभूत आवश्यकता है, इसलिए राज्य सरकार इनकी पर्याप्त उपलब्धता के लिए विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांगानेर रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने के लिए 192 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लगभग 3,100 करोड़ रुपए के काम सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के लिए करवाए जा रहे हैं। राज्य सरकार मेट्रो का विस्तार करते हुए इसे सीतापुरा से अंबावाड़ी तक संचालित करने पर कार्य कर रही है। हर प्रदेशवासी की सेवा के लिए हर पल समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से उनके द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान सामाजिक सरोकार के प्रमुख वाहक है। जिन्होंने मेरे को जन प्रतिनिधि बनाने का काम किया है, हमेशा वो मेरे को याद रहे, उनकी ताकत मेरे साथ रहे, इसलिए इस दुपट्टे को हमेशा मेरे साथ रखता हूं। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपने जिस विश्वास के साथ और राजस्थान की जनता ने जिस विश्वास के साथ, हमारे जनप्रतिनिधियों ने जिस विश्वास के साथ एक मेरे को जिम्मेदारी दी है सेवक के रूप में, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि दिन रात करके 24 घंटे एक एक समय का पल और एक एक क्षण इस राजस्थान की जनता के लिए और सांगानेर की जनता के लिए समर्पित है। कोई भी काम होगा निश्चित रूप से उसको करेंगे। मेरे से कहते हैं कि आपने इतने बड़े काम, मैंने कहा कि इसके सांगानेर के साथ साथ ये गोविंद देव जी का पटका भी है, ये गोविंद देव जी का पटका भी है, ये गिरिराज जी का भी है, इसलिए मैं कहता हूं कि उनकी ताकत भी मेरे साथ रहती है। और आपने देखा होगा 4 महीने पहले मैंने कहा था, जब हमारी ईआरसीपी और यमुना जल का जब हमने समझौता किया था तो उस बंसी वाले की कृपा से और गोविंद देव जी की कृपा से कहा था कि ईआरसीपी से पहले राजस्थान में ऊपर वाली ईआरसीपी भी आने वाली है। और आपने देखा है कि राजस्थान के हर क्षेत्र में बारिश हो रही है। परसों मेरे से माननीय हमारे सीपी जोशी जी आए थे और भी हमारे चित्तौड़ के लोग आए थे, उदयपुर के आए थे, उन्होंने कहा कि साहब उदयपुर संभाग में बारिश कम है। परसों हमने कहा कल से प्रारंभ हो जाएगी और उसने सुना बंसी वाले ने, आप देख सकते हैं उदयपुर संभाग में भी कल से वर्षा लगातार प्रारंभ हो गई है। ये उस बंसी वाले की कृपा है और ये सांगा बाबा की कृपा है और उस गोविंद देव जी की कृपा है कि वो भी वर्षा आराम से पूरे राजस्थान के अंदर होती है, क्योंकि हमें पता है कि राजस्थान के अंदर आवश्यकता है तो बिजली और पानी की आवश्यकता है और इसलिए हमने यह वर्ष बिजली और पानी के लिए रखा है। हमने 224 लाख करोड़ रुपए का बिजली का एमओयू हमने करने का काम किया है और हमने किसानों को कहा है, राजस्थान की जनता को कहा है कि 2027 तक हम राजस्थान में किसानों को दिन में बिजली देंगे, राजस्थान की जनता को हम पूरी रूप से बिजली देंगे, उद्योग को भी बिजली देंगे। और हमने कहा है कि चाहे हमारी ईआरसीपी की योजना हो, हमारा यमुना जल का समझौता हो, चाहे हमारा पोंग डैम से इंदिरा गांधी का समझौता हो, या हमारा देवास स्कीम हो, या माई डैम की हमारी स्कीम हो, या नर्मदा की हमारी स्कीम हो, राजस्थान को चारों ओर से जो रेगिस्तान कहते हैं उसमें पानी की पूर्ण रूप से व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार करेगी। हम बिजली और पानी के क्षेत्र में हमारी सरकार काम करेगी और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, आपसे मैंने कहा था कि आने वाले समय में हमारा सांगानेर एक अच्छा जयपुर पूरा बहुत अच्छा हमारा शहर होगा, जयपुर शहर होगा, मेट्रो से सुसज्जित होगा, क्योंकि हमने मेट्रो का दूसरा जो फेस है
उसको भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय परिसर में निर्मित कक्षा कक्षों का लोकार्पण किया। उन्होंने नए कक्षों के निर्माण के लिए विद्या सेवा संस्थान जयपुर का आभार भी व्यक्त किया। वही कार्यक्रम में विभिन्न व्यापार मंडलों और सामाजिक संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री शर्मा का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर संस्कृत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जयपुर ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर, विद्या सेवा संस्थान के अध्यक्ष दिव्या सौंखिया सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।